नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चंदकियारी प्रखंड में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अच्छे अंकों से नंबर लाकर उत्तीर्ण हुए छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया, वहीं उनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। आज चंदन कियारी प्रखंड के आसन बनी ग्राम में बावरे संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इस वर्ष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए छात्र और छात्राओं को पुष्प, कलम, डायरी इत्यादि देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेश मंडल, संवाददाता HBN न्यूज। आज मैं यहाँ हूँ ग्राम चंदनकियारी क्षेत्र के ग्राम हसनपुरी में, जहाँ पे उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में पास उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को पुष्पगुच्छ एवं कलम डायरी वगैरह देकर सम्मानित किया गया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। बावरी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हर ग्राम में सभी ऐसे उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे छात्रों में भी थोड़ा प्रोत्साहन देखने को मिलता है। हर बार इनके बातचीत के रिजल्ट में थोड़ा और सुधार आते जा रहा है। हम भी इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, आगे चलकर कुछ अच्छा अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। बावरी संघर्ष मोर्चा बोकारो जिला कमेटी की ओर से आसन बनी चंदन क्यारी में आसन प्रेम ग्राम के इन बच्चों ने अपने लगन और मेहनत से मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और आज बावरी संघर्ष मोर्चा के लिए इनका मनोबल बढ़ाने के लिए बुके और कलम देकर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हैं हमारे केंद्रीय सदस्य दीपक कुमार बावरी जी, जिला उपाध्यक्ष कान्हा बावरी जी, जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार बावरी जी, जिला मीडिया प्रभारी दीपक कुमार बावरी जी, समाज सेवी लक्ष्मण बावरी जी, जिनका अथक प्रयास से इस बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज वार्ड सदस्य निवाय बावरी और लक्ष्मण बावरी जी के अथक प्रयास से यह कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ते हुए और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे अजीत जी, जो आरएम इंटरकॉलेज के वे लेक्चरर हैं, हमारे जिला संयुक्त सचिव अरविंद कुमार बावरी जी और युवा साथी इंद्रजीत बावरी जी, समाज सेवी अमूल्य कुमार बावरी जी, अजीत कुमार बावरी जी और तमाम बच्चे जो उपस्थित हैं, इन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने लगन और मेहनत से प्रथम श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।